नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मैथ्स है वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का हर एक टॉपिक बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक टाइप वाइज एग्जाम्पल के साथ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर जो टॉपिक आपका वीक है वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एलजेब्रा। एलजेब्रा दोस्तों टॉपिक चल रहा है और आज एलजेब्रा का अपना है पार्ट नंबर 10। दोस्तों, ऑलरेडी एलजेब्रा के 9 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, एलजेब्रा की 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने पहले वाली 9 क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाकर वो 9 क्लासेस आप देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमने 9 पार्ट में 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 9 पार्ट में हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 141 से। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ के अलग अलग एग्जाम्स के, SSC, HSSC, बैंकिंग, पुलिस, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैथ्स के, वो बाईलैंग्वेल नोट्स अवेलेबल हैं, PDF के रूप में भी और JPG के रूप में भी। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से, वो चैनल या ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे क्वेश्चन आज करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर x प्लस 1/x जो है वो आपको दे रखा हो 2, ध्यान से देखिए, इफ x प्लस 1/x आपको गिवन है 2, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे x इक्वल होगा 1 के, हमेशा ऑलवेज x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आए जब क्या हो, x का वैल्यू कितना हो, 1 हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों है, तो अगर आप यहां से आप देखोगे, अगर मैं यहां से x को LCM लूं तो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x किसके इक्वल, 2 के इक्वल। अब यहां से आप देखोगे, इसको लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल किसके, 2 के, तो आपका 2x के हो जाएगा ना, तो आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों ये और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है सोचो, अगर मैं यहां पे स्क्वायर लिख लूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है, ये मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों है। आपको तो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका x प्लस 1/x 2 के इक्वल दे रखा है तो आपका x हमेशा 1 के बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों होगा, हम x LCM लेंगे, यहां पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल, 2 के इक्वल। x उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर लेगा 2x आ जाएगा, 2x इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो अब हमने 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ये प्रूव हो गया इसका। लेकिन आपको सिर्फ क्या बात ध्यान रखनी है, आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर x प्लस 1/x 2 के इक्वल आपको कहीं पे दिख जाए, इसके लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो हर तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, x प्लस 1/x अगर आपको 2 के इक्वल दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू 1 होगा। ठीक है दोस्तों, वो सेकेंड टाइप इसको कैसे लिख सकता है,
एक तो डायरेक्ट लिख देगा आपको कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल है 2k। दूसरे टाइप से कैसे लिख सकता है, दूसरे टाइप से वो ऐसे लिख सकता है, जैसे अभी हमने क्या किया था, यहां पे x एलसीएम लिया था, तो x यहां पे मल्टीप्लाई करेगा x स्क्वायर, प्लस में बच जाएगा 1, ये x उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2x के। वो ऐसे भी लिख सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 2x के, तब भी आपका जो x का वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2x को इस साइड ले आएगा तो वो नेक्स्ट टाइप ऐसे भी लिख सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहां पे भी आपका जो x है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसे आपको कोई वैल्यू लिखी मिले तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि x का वैल्यू जो है 1 है, चाहे उसने x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दे रखा हो, चाहे उसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दे रखा हो, चाहे उसने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा हो, इन तीनों कंडीशंस में ये तीन तरीके हैं लिखने के, तो आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा, कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, देखो जैसे उसने पूछ लिया इफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल 2k है, देन फाइंड x का पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 7 क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना सा देखना था कि x प्लस 1 बाई एक्स आपका 2 है, तो x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 1 के। अगर आपका x 1 के इक्वल है तो 1 का पावर 7 प्लस 1 बाई 1 का पावर 7, तो ये भी 1 ये भी 1, आपका जो आंसर है दोबारा से फिर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे चीजें पूछी जाएंगी। आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू जो है 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जल्दी कीजिए दोस्तों, ठीक है, तो इतना आप याद रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, क्योंकि हमने 140 क्वेश्चन लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे 141 से। देखिए इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल है 2k, आपको बताना है x का पावर 51 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 51 क्या होगा। अरे भाई मैंने आपको बता दिया कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स आपको दे रखा है 2, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है x का पावर 51 प्लस 1 बाय x का पावर 51, तो क्या करोगे, 1 रख दो, 1 का पावर 51 करोगे 1 ही आएगा, यहां पे 1 का पावर 51 करोगे 1 ही आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपको ये चीज पता है तभी तो आसान है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ध्यान से याद रखना कि x प्लस 1 बाय x अगर 2 है तो x हमेशा क्या होगा, x हमेशा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल 2k है, आपको बताना है x का पावर 500 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 500 क्या होगा। क्वेश्चन वैसा ही है, पावर थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2k और आपको फाइंड आउट करना है x का पावर 500 प्लस 1 माइनस है ना बीच में, माइनस x का पावर 500, ये आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है, देखते ही पता लग गया होगा आपको, आंसर पता लग गया होगा क्या है। कैसे पता लग गया होगा, क्योंकि यहां से x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब 1 का पावर 500 करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 का पावर 500 करोगे तो 1 ही रहेगा, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0 होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो वो 0 ही होगा, तो आंसर इज 0। ठीक है दोस्तों, चलिए
उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल आसान सेटअप है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या दिया गया है, आपको वही दिया गया है कि x प्लस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल है किस के, प्लस 2 के। ठीक है, आपको बताना है x का पावर 14, x का प्लस x का पावर 28 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 14 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 28 और माइनस 3 का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपको x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 2 के इक्वल दे रखा है। आपको बताना क्या है, x का पावर 14 प्लस x का पावर 28 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 14 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 28 और माइनस में 3, ये आपको बताना है। अब ये देखते ही आप समझ गए कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 1। अब x का वैल्यू 1 रखोगे, 1 का पावर 14 करोगे 1 ही आएगा, 1 का पावर 28 करोगे तो भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा और माइनस में क्या है, 3 है। तो ये 4 माइनस 3 करोगे तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। क्या दिया गया 144 में, x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो है माइनस 2 के इक्वल। दोस्तों अब की बार दे दिया आपको माइनस 2, x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो किसके इक्वल है, माइनस 2 के इक्वल है और आपको बताना है x का पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 17 क्या होगा। देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 2 के, लेकिन इसने क्या दे दिया माइनस 2, तो कोई बात नहीं, ये बात ध्यान रख लेंगे आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि अगर आपका x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे ऑलवेज हमेशा हमेशा x इक्वल होगा माइनस 1 के, ये बात दिमाग में डाल लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 के था तो x बराबर 1 के था, अगर माइनस 2 के है तो x बराबर हमेशा होगा माइनस 1 के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही ध्यान रखनी है। अब आपको यहां से देखते पता लग जाएगा कि x का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या रहेगा, माइनस 1 रहेगा। ठीक है, इसको भी हम उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं, एक्स एलसीएम लेके वही फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला बना था एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, अब यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि माइनस वन की पावर आपको करनी है 17 और यहां पे भी क्या करना है, माइनस वन का पावर करना है 17। ध्यान रखना माइनस का पावर, माइनस का पावर अगर आपका ओड नंबर होगा तो आपकी वैल्यू माइनस में ही आती है, लेकिन माइनस का पावर अगर आपका इवन नंबर हो जाता है तो आपकी पावर प्लस में चली जाती है, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है। इतना सा आपको पता ही होगा कि माइनस वाले नंबर का पावर ओड करते हैं तो माइनस में ही रहता है, और माइनस वाले नंबर का पावर इवन नंबर करते हैं तो वो प्लस में चला जाता है। अब यहां पे देखो, माइनस वन की पावर ओड करोगे तो ये माइनस वन ही रहेगा और यहां से भी माइनस वन रहेगा, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो माइनस टू आ जाएगा। अब इसी सीक्वेंस को जैसे मैंने वो बताया था वो ऐसे भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर दो के, वो ऐसे भी लिख सकता है दो एक्स के, सॉरी माइनस दो एक्स के, ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस वन बराबर जीरो के। अगर ये लिखे हुए हैं तो इसका मतलब भी क्या होगा कि एक्स का पावर क्या है, माइनस एक है। ये अच्छे से नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट, जैसे मैंने आपको किस में बताया था, x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो में बताया था ना, वैसा ही सेम है। अगर माइनस दो है तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर हो सकता है माइनस दो एक्स के, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस वन बराबर हो सकता है जीरो के। ऐसी कंडीशन में x का जो वैल्यू है हमेशा क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा। ओके,
चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि माइनस का पावर ओड करेंगे तो माइनस में ही रहेगा और माइनस का पावर इवन करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। ओके दोस्तों, एक दफा नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 145 दिया गया है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल है माइनस 2 के। आपको बताना है x का पावर 18 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 20, कुछ नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। x प्लस 1 बाई एक्स जो है भाई वो दे रखा है माइनस 2 के इक्वल। आपको बताना क्या है, आपको बताना है x का पावर 18 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 20। सोचो थोड़ा जल्दी, अरे चुटकियों में हो जाएगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये कंडीशन आपके पास है तो x आपका किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। अब माइनस 1 का पावर आपको 18 करना है, प्लस 1 बाय माइनस 1 का पावर आपको 20 करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस वाले नंबर की पावर इवन की गई है तो वो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा और यहां से भी प्लस 1 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 होगा। ओके क्लास, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ये पावर ध्यान रखना थोड़ी सी, यहां पे गलती मत कर देना कि माइनस की पावर अगर ओड होगी तो माइनस ही रहेगा और माइनस की पावर अगर इवन होगी तो वो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। क्या दिया गया है, x प्लस 1 बाय x बराबर है माइनस 2 के। आपको बताना है x का पावर 400 प्लस 1 बाय x का पावर 445। आसान है, x प्लस 1 बाय x आपको किसके इक्वल दे रखा है, माइनस 2 के। आपको बताना है x का पावर 400 प्लस 1 बाय x का पावर 445, ये आपको बताना है। बस आपको यहां पे पावर का ही ध्यान रखना होता है, इसको देखते ही पता चल जाएगा कि x की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी होगी, वो होगी माइनस 1। एक्स की जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी माइनस का 1। ठीक है, अब रखो माइनस 1 का पावर 400 करोगे और प्लस 1 बाय माइनस 1 का पावर 445 करोगे, तो जब आप पावर करोगे इवन तो ये प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप पावर करोगे ओड तो ये रहेगा दोस्तों माइनस 1। प्लस 1 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचाएगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बच जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बच जाएगी। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, एज इट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी मिल जाते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी ले जाता है वो एल्जेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया जाता है। कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लो आपको दे दिया कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको इक्वल दे रखा है 2k। आपको फाइंड आउट करना है 10 का पावर 7 थीटा प्लस कोट का पावर 7 थीटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया मान लो कि 10 थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2k है, तो 10 की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा क्या होता है। अब सभी को पता है इतना तो कि कोट जो है भाई, कोट जो है वो 10 का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 प्लस 1 बाय 10 बराबर 2k है। अब 10 प्लस 1 बाय 10 बराबर 2k है तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये x है और ये भी x है, तो इसको ऐसा लिख लो x प्लस 1 बाय x जो है वो किसके इक्वल है, 2k। ये देखते ही आप समझ जाओगे कि आपका 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी कि x का वैल्यू 1 होगा। अब इसका वैल्यू 1 का पावर 7 करोगे और इसका वैल्यू 1 का पावर 7 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो ऐसे वो क्या करता है, जो इनवर्स वाली आपकी आइडेंटिटी है उनको यूज करके ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है। जैसे वो ऐसे भी कर सकता था, वो ऐसे भी कर सकता था, देखिए बताता हूं आपको मैं। जैसे साइन का इनवर्स कौन है, साइन का इनवर्स कोसेक है। ठीक है, तो ऐसा दे देगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस
कोसेक का पावर 4 थीटा बराबर है 2k, बताओ साइन का पावर 11 थीटा प्लस कोसेक का पावर 11 थीटा किसके इक्वल होगा। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ये इनवर्स फंक्शन है आपके, ये इनवर्स फंक्शन है, इसको लिख लो x तो इसको लिख लो 1/x, और अगर ये 2 के इक्वल है ना तो ये पावर कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर जितनी भी हो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से सिर्फ आपको ये समझने के लिए मिलेगा कि आपका जो x है वो 1 के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि दो इनवर्स वैल्यू का सम 2 आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे x का वैल्यू क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ये मत सोचना कि यहां पे पावर 4 लिख रखा है तो कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि यहां पे पावर 11 है, यहां पे भी 2 आने वाला है, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, तो 1 का वैल्यू 11 करोगे और प्लस 1 का वैल्यू 11 पावर 11 करोगे तो आपका आंसर क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो ये भी तो 2 के इक्वल आया, ये भी तो 2 के इक्वल आया, तो ये भी 2 के इक्वल था। तो इतना सा आपको समझना है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा, तो इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पे पहुंच गए हम, 146 हो गए ना, 147 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर है -2k। आपको बताना, देखो कितना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, x का पावर 40 प्लस x का पावर 45 प्लस x का पावर 50 प्लस 1/x का पावर 40 प्लस 1/x का पावर 45 प्लस 1/x का पावर 50 प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से सोचिए, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लूं कि x प्लस 1/x बराबर है -2k, तो आपको बताना क्या है, x का पावर 40 प्लस एक्स का पावर 45 प्लस एक्स का पावर 50, ठीक है, प्लस 1/x का पावर 40 प्लस 1/x का पावर 45 और प्लस 1/x का पावर 50 और प्लस में है 5, इसका वैल्यू आपको बताना है। आ गया होगा सभी के दिमाग में, सभी के दिमाग में आ गया होगा, जल्दी से करो, अगर अभी तक भी नहीं आया तो भाई कैसे काम चलेगा। ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि x का वैल्यू क्या है, -1 है, और बस आपको पावर ढंग से करनी है। -1 का पावर इवन नंबर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका पावर ओड करोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, तो यहां पे -1 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा +1, यहां पे आ जाएगा +1, यहां पे आ जाएगा -1, यहां पे आ जाएगा +1 और प्लस में क्या है 5 है। बस आपको पावर ध्यान से करनी है कि पावर इवन है तो प्लस 1 आएगा, पावर ओड है तो -1 आएगा, पावर इवन है तो प्लस 1 आएगा, पावर इवन है तो प्लस 1 आएगा, पावर ओड है तो -1 आएगा, पावर इवन है तो प्लस 1 आएगा, पावर का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 5, 6, 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा, 7 रहेगा। सो 7 इज द आंसर। ओके क्लास, आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी देखने में बड़े लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, देखिए दोस्तों क्या है 148, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के। आपको बताना है x का पावर 100 प्लस x का पावर 200 प्लस x का पावर 300 प्लस 4। भाई जल्दी से बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर 0 के इक्वल हो तो x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से सोचो। अभी बताया था मैंने, पीछे बताया था ना, x का पावर 100, x का पावर 200, x का पावर 300 और आपको प्लस में क्या करना है, प्लस में करना है 4, और इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे x का वैल्यू क्या होगा। अरे भाई x का वैल्यू होगा -1, ये अभी तो बताया था कि अगर ऐसी सीक्वेंस लिख रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर होगा -1 के, और ये मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, अगर ऐसी सीक्वेंस है तो x प्लस 1/x का वैल्यू अगर यहाँ पे प्लस का फॉर्म है तो वो जाएगी माइनस के फॉर्म में, तो ये -2 आ जाएगी, ये मैंने पहले वाली क्लासों में भी बताया था,
ठीक है, तो माइनस वन आ गई, माइनस वन का पावर इवन करोगे प्लस वन, माइनस वन का पावर इवन करोगे प्लस वन, माइनस वन का पावर इवन करोगे प्लस वन, और प्लस में क्या है फोर, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, एक दफा नोट कर लीजिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करिए दोस्तों। ठीक है, कर लेंगे भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है, कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार रिवीजन कर लेना दोबारा से, ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 की बात कर लेते हैं, क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहां पे आपको दिया गया 149 में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल है जीरो के, एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स प्लस वन इक्वल है जीरो के, और आपको बताना क्या है, एक्स का पावर 11 प्लस एक्स का पावर 12 प्लस एक्स का पावर माइनस 11 प्लस एक्स का पावर माइनस 12, ठीक है, और प्लस में 5 का आंसर आपको बताना है। अरे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये माइनस 11 माइनस 12 ये कुछ नहीं है, इनको आप ऐसा लिख लो, एक्स का पावर 11 प्लस एक्स का पावर 12, इसका मीनिंग होगा 1 बाई एक्स का पावर 11 और इसका मीनिंग होगा 1 बाई एक्स का पावर 12 और प्लस में क्या है 5 है, यही तो आपको बताना है, बस यही बताना है। अब इसको याद करो, इसको याद करो कि यहां से मैंने x का वैल्यू क्या बताया था आपको, अरे जब यहां पे माइनस टू है तो वो प्लस टू हो जाएगा, और अगर प्लस टू होगा तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहां से आपके जो x का वैल्यू है दोस्तों वो रहेगा 1, 1 को उठा के रख दो, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये 5, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, ये पावर माइनस वगैरह में देख के डरने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल है जीरो के, ये आपको दे रखा है, और आपको बताना है x का पावर 11 प्लस x का पावर 21 प्लस x का पावर 23 प्लस 22 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है, हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, जरा देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2x आएगा प्लस 1 आएगा इक्वल जीरो के। अगर आप इस पूरे के पूरे इक्वेशन को दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर जीरो, ये आपको देखते ही समझना है। तो अब इस सीक्वेंस से बताओ x का वैल्यू क्या आएगा, अरे अभी तो बताया था अगर यहाँ पे प्लस 2 है, अगर यहाँ पे प्लस 2 है तो वो माइनस 2 हो जाएगा, अगर वो माइनस 2 हो जाएगा तो x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया भाई माइनस 1, माइनस 1 का पावर ओड करोगे तो माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 1 का पावर ओड करोगे फिर से माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 1 का पावर ओड करोगे फिर से माइनस 1 ही रहेगा, और प्लस में क्या है 22, तो भाई 22 में से 3 माइनस कर दोगे आपका आंसर क्या बच जाएगा, 19 बच जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 19। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर 8x आ गया, इससे डरने की जरूरत नहीं है, देखो इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 से डिवाइड कर दो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वही जो मैंने करवाई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट, अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स दिख जाए कहीं पे रूट टू, क्या दिख जाए, रूट टू दिख जाए, x प्लस 1 बाय एक्स रूट टू दिख जाए, या फिर
एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल दिख जाए रूट टू एक्स के, ये वाली वैल्यू भी दिख सकती है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन दिख जाए जीरो के। जब ये तीन इस तरह की बात आपको दिख जाए तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि ऑलवेज हमेशा एक्स का पावर जो फोर है, एक्स का पावर फोर है वो इक्वल होगा माइनस वन के। एक्स का पावर फोर किसके इक्वल होगा दोस्तों? माइनस वन के इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों है इसका रीजन बताता हूं। देखिए यहां से, देखिए अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम छोड़ो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा टू और उस साइड भी क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। देखो मैंने इस इक्वेशन का क्या कर दिया? बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। मैंने इस इक्वेशन में क्या कर दिया? बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इस साइड भी स्क्वायर कर दिया और इस साइड भी स्क्वायर कर दिया। अब इस साइड स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो एक्स से वन बाय एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और इस साइड स्क्वायर करोगे तो टू आ जाएगा। अब जरा मुझे बताओ अगर ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस टू, तो जीरो बचेगा। तो देखो तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। आपको ये फॉर्म भी दी जा सकती है, आपको इस तरह की फॉर्म भी दी जा सकती है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर जीरो के इक्वल है तो आपको ध्यान रखना है एक्स की पावर फोर माइनस वन के इक्वल होगी। कैसे होगी? अगर यहां पे हम एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स का पावर फोर प्लस वन किसके इक्वल? जीरो के। ये उस साइड मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो जाएगा, अरे उस साइड मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो जाएगा। तो यहां से एक्स का पावर फोर प्लस वन किसके इक्वल? जीरो के। तो x का पावर 4 आपको किसके इक्वल दिख रहा है? माइनस वन के इक्वल दिख रहा है। और यही बात मैंने आपको बताई थी। तो ये भाई ये तीनों बात ध्यान रखनी है। अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स दिखता है रूट टू के इक्वल, या एक्स स्क्वायर प्लस वन दिखता है रूट टू एक्स के इक्वल, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन दिखता है जीरो के इक्वल, तो आपको इससे देख के ध्यान रखना है कि एक्स का पावर फोर इक्वल होगा माइनस वन के। एक्स की पावर फोर हमेशा माइनस वन को दिखाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? चलो इसको हटा देता हूं एक बार नीचे वाले को मैं। इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? देखो एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिख देते नीचे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको दे देगा इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल है रूट टू के, देन फाइंड एक्स का पावर 80 प्लस वन बाय एक्स का पावर 80। ऐसे बोल देगा कि इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया भाई? मैंने आपको बताया कि ये देखते ही आप समझ जाओगे कि एक्स का पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस वन के इक्वल होता है। एक्स का पावर फोर जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस वन के। यहाँ पे एक बात और लिख लेना, अगर इसको मैं इस साइड ले आऊँ तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक्स का पावर फोर प्लस वन इक्वल होता है जीरो के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, दोनों बात एक ही है। इसका भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। एक बार ये देखो कि एक्स का पावर फोर जो है माइनस वन के इक्वल होता है। अपने पास तो पावर फोर है बट यहां तो पावर 80 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि एक्स का पावर फोर और कंप्लीट का पावर 20, क्योंकि 24 में मल्टीप्लाई करेगा वापस 80 हो जाएगा। इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया, फैक्टर में लिख लिया कि एक्स का पावर फोर और उसका पावर 20। इसको भी ऐसे लिख लो, वन बाय एक्स का पावर फोर और उसका पावर 20। अब आपके पास एक्स के पावर फोर का वैल्यू क्या है? माइनस वन है, तो एक्स के पावर फोर की जगह माइनस वन रख दिया, माइनस वन का पावर 20 प्लस वन बाय माइनस वन का पावर 20। मैंने क्या कर दिया? एक्स के पावर फोर को रिप्लेस कर दिया माइनस वन से। अब देखो माइनस वन का पावर इवन करोगे प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन का पावर इवन करोगे प्लस वन, ये प्लस वन, ये प्लस वन, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये तीनों इस तरह की वैल्यू आपको दे रखी है तो एक्स की पावर फोर इक्वल होगी माइनस वन के और एक्स की पावर फोर प्लस वन इक्वल होगा जीरो। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब एक बात ध्यान रखना कि यहां पे माइनस वन की पावर इवन थी इसलिए वो प्लस वन हो गया था, अगर यहां पे माइनस वन की पावर ओड होती तो वो क्या हो जाता? माइनस वन हो जाता।
कैसे हो जाता? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता 44 कर देता यहाँ पे पावर, क्या कर देता पावर, मान लीजिए वो पावर यहाँ पे 44 कर देता, जस्ट इतना सा मान के चलो, तो आप इसका फैक्टर क्या करते, फैक्टर करते एक्स का पावर 4 और कंप्लीट का पावर क्या बचता 11 बचता, प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 और कंप्लीट का पावर क्या बचता 11 बचता, ठीक कह रहा हूँ। अब एक्स का पावर 4 तो माइनस 1 है, अब रिप्लेस करोगे यानी कि माइनस 1 का पावर 11 प्लस 1 बाई माइनस 1 का पावर 11, तो अब ध्यान से देखो भाई, माइनस 1 का पावर 11 करोगे, माइनस 1 का पावर 11 तो माइनस 1 ही होगा, ये भी माइनस 1, ये भी माइनस 1, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 2। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि पावर पे फोकस करना है, वो इवन है या ओड है, ये गलती मत कर देना, ठीक है। ये तो यूज होगा x की पावर 4 माइनस 1 का। अब देखो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल 0 होता है, तो उसका यूज क्या है, उसका यूज क्या है, देखो अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल है रूट 2 के, देन फाइंड x का पावर 35 प्लस x का पावर 31 प्लस x का पावर 20 प्लस x का पावर 16, ये निकालना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ से एक बात सुनना, मैंने आपको क्या बताया है कि भाई अगर ये दे रखा हो तो x का पावर 4 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों में से, इन दोनों में से x का पावर 31 कॉमन ले लूँ, यानी कि छोटे वाला पावर कॉमन ले लूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x का पावर 4 और प्लस में बच जाएगा 1, प्लस इन दोनों में से अगर x का पावर 16 कॉमन ले लूँ तो x का पावर 4 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब x का पावर 4 प्लस 1 क्या होता है, 0, 0 यहाँ पे गुणा करेगा 0 और 0 यहाँ पे गुणा करेगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये ऐसे यूज होगा। इसको डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो कि अगर पावर का डिफरेंस 4 है, पावर का जो डिफरेंस है वो कितना है 4, तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं। मैंने आपको करके बता दिया है कि इन दोनों में से 31 कॉमन लेंगे, x का पावर 31 तो यहाँ बचेगा x का पावर 4 प्लस बचेगा 1, यहाँ से 16 कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा x का पावर 4 प्लस बचेगा 1, ठीक है दोस्तों। तो भाई यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इस बात को आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि अगर आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है और पावर का डिफरेंस 4 है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, जल्दी से नोट करिए भाई एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन करते हैं इसके, इसके क्वेश्चंस आपसे किस तरह पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं, क्या दिया गया, देखिए आपको दिया गया x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल है, रूट 2 के इक्वल है। आपको बताना है x का पावर 40 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 40 क्या होगा, ठीक है जी। ध्यान से देखो, अगर ये दे रखा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि x का पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के। तो इस कंडीशन में आपको लेके चलना है कि जहां पे आपके पास x का पावर 4 आ जाए। देखो यहां पे आपको देखते पता लग गया कि x का पावर 4 लेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा 10, प्लस 1 बाय x का पावर 4 लेंगे अंदर तो ब्रैकेट के ऊपर क्या बच जाएगा 10। अब x के पावर 4 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 ही तो है, तो रख दीजिए माइनस 1 की पावर 10 प्लस 1 बाय माइनस 1 की पावर 10। अब माइनस 1 की पावर इवन करोगे तो वो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी प्लस 1 और ये भी प्लस 1, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा,
टू आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टू। ठीक है, आसान था। कब आसान था? जब आपको ये बात याद होगी तभी तो ये क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 152 क्या दिया गया है, क्या दिया गया? वही है, x प्लस वन बाय एक्स रूट टू के इक्वल है। x प्लस वन बाय एक्स किसके इक्वल है? रूट टू के इक्वल है। आपको बताना है यहां पे x का पावर 5 प्लस वन बाय एक्स का पावर 5 क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें तो एक बात का पता है कि भाई अगर ये आपको दे रखा है तो x का पावर 4 इक्वल होता है माइनस वन के। अब इस बात का तो हमें पता है, सभी को पता है ना, बट यहां पे तो x का पावर 5 है। तो एक बात बताओ, क्या x क्यूब को मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, कोई दिक्कत तो नहीं है? x क्यूब को x मल्टीप्लाई x लिख सकता हूं। क्या मैं x क्यूब को ये भी लिख सकता हूं x स्क्वायर मल्टीप्लाई x? अरे बात तो एक ही है, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x लिख सकता हूं। तो ध्यान से अगर आप देखते भाई, तो इसको आप लिख सकते हो x का पावर 4 मल्टीप्लाई में x, तो x का पावर 5 ही होगा, प्लस यहां पे x का पावर 4 मल्टीप्लाई में x। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अब x का पावर 4 क्या है? x का पावर 4 कुछ नहीं है, माइनस वन है। अब माइनस वन x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा? माइनस x नहीं बन जाएगा, बोलो? और यहां पे नीचे माइनस वन x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे भी माइनस का x बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का x और माइनस का 1 बाई x। बताओ यहां तक बात समझ में आई? माइनस का x और माइनस का 1 बाई x। अगर यहां से हम माइनस बाहर ले लें, अगर यहां से हम माइनस बाहर ले लें तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी x प्लस 1 बाय x, और x प्लस 1 बाय x किसके इक्वल दे रखा है? रूट टू के। तो रूट टू और बाहर है माइनस, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? माइनस रूट टू आ जाएगा। तो इतनी सी बातों का आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, कि यहां से भाई आप x की पावर 4 मल्टीप्लाई x लिख लोगे, यहां पे भी x की पावर 4 मल्टीप्लाई x लिख लोगे। अब x की पावर 4 है माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा 1 बाय माइनस x। तो माइनस x माइनस 1 बाय x, माइनस कॉमन तो x प्लस 1 बाय x, और x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या है? रूट टू, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस रूट टू। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्या दिया है, 153 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल है जीरो के। तो आपको बताना क्या है यहां पे? आपको बताना है एक्स का पावर 35, नीचे लिख लेता हूं मैं इसको, नीचे लिख लेता हूं, थोड़ा सा लंबा है। x का पावर 35 प्लस x का पावर 31 प्लस x का पावर 17 प्लस x का पावर 13 प्लस x का पावर 4 और प्लस में दे रखा है 5, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आपको देखते ही बताना था, चुटकियों में बताना था, कि यहां से देखते ही हमें पता है कि x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल होता है 0 के। और ये बात मैंने वो भी आपको बताई थी कि अगर पावर का गैप जो है 4 का हो, पावर का डिफरेंस 4 का हो, तो वो 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पावर का डिफरेंस कितना है 4 का, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे पावर का डिफरेंस कितना है 4 का, तो ये 0 हो जाएगा। और x की पावर 4 किसके इक्वल होती है? अरे पिछले क्वेश्चन में ही तो की थी, x की पावर 4 1 के इक्वल होती है माइनस के, तो माइनस का 1 प्लस का 5। तो यहां से जो आपका आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगा। अब पावर 4 डिफरेंस, पावर में जो डिफरेंस अगर 4 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका, क्यों? क्योंकि यहां से x का पावर 31 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x का पावर 4 प्लस 1 बचेगा, और इस किसके इक्वल होता है? 0 के, और 0 किसी में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही बन जाएगा। तो इसी तरह अगर पावर का डिफरेंस 4 हो तो वैल्यू 0 हो जाती है। कब? जब
एक्स प्लस वन बाय एक्स किसके इक्वल दे रखा हो, रूट टू के इक्वल दे रखा हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट करके बेझिझक मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल है रूट टू एक्स के, और आपको बताना क्या है, एक्स का पावर 87 प्लस एक्स का पावर 83 प्लस एक्स का पावर 80 प्लस एक्स का पावर 75 प्लस एक्स का पावर 71 और क्या है प्लस एक्स का पावर 8 और प्लस में दे रखा है 3, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। बता सकते हैं, जल्दी से बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, जल्दी करिए, बताइए मुझे इसका वैल्यू क्या आएगा। जल्दी करिए दोस्तों, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ से आपको दो बातों का पता होना चाहिए, जब ऐसा हो, एक तो x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल होता है 0 के, और एक x का पावर 4 इक्वल होता है माइनस 1 के, ये दो बातें तो आपको पता होनी चाहिए। और क्या बात मैंने आपको बताई थी कि अगर पावर का डिफरेंस 4 हो तो वो 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पावर का डिफरेंस आपको 4 दिख रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 4 दिख रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा x का पावर 80 प्लस x का पावर 8 और प्लस में क्या बचेगा 3, यही तो बचेगा। अब ये तो मैंने आपको सोल्व करना बता ही रखा है कि x का पावर 4 माइनस 1 होता है, इसको लिख लो x का पावर 4 उसका पावर 20, इसको लिख लो x का पावर 4 उसका स्क्वायर और प्लस में 3, यही तो होगा। अब माइनस 1 की पावर 20 करोगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस वन की पावर टू करोगे तो प्लस वन हो जाएगा और प्लस में थ्री, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फाइव, ठीक है जी, देख लीजिए अच्छे से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 आज का लास्ट क्वेश्चन, 155 तक ही करेंगे आज क्लास में। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल है रूट टू एक्स के, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल दे रखा है रूट टू एक्स के, वही है क्वेश्चन तो सेम। आपको बताना क्या है, एक्स का पावर 81 प्लस एक्स का पावर 75 प्लस एक्स का पावर 72 प्लस एक्स का पावर 44 प्लस, ये 76 है ना, 76 है भाई, x का पावर 44, x का पावर 40 प्लस x इनवर्स, ठीक है, x का पावर माइनस वन। अब देखो x के पावर माइनस वन को तो 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से मुझे एक बात बताओ, वही बात कि जहां पे डिफरेंस 4 होगा वो तो 0 हो जाएगा, और x का पावर 4 किसके इक्वल होगा, माइनस वन के, ये तो हमें पता ही है। डिफरेंस 4 सर्च करो पहले, यहां पे डिफरेंस 4 ही तो 0 हो गया, यहां पे डिफरेंस 4 ये 0 हो गया। आपके पास बचा क्या, दो वैल्यू बची, एक ये वैल्यू बची और एक ये वैल्यू, बस इनको देखना है आपको। तो देखो x का पावर 81 क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 का पावर 20, तो दोस्तों ये हो जाएगा x का पावर 80, x का पावर 4 उसका पावर 20, तो ये हो जाएगा x का पावर 80, लेकिन एक x तो बचेगा एक्स्ट्रा क्योंकि यहाँ पे कितना है 81 है, मैंने आपको वो क्यूब बड़ा करके दिखवाया था ना, तो वैसा ही है कि x का पावर 4 उसका पावर 20, ये हो गया x का पावर 80 मल्टीप्लाई में x, x का पावर 81 और प्लस में क्या है, इसको लिख लो 1 बाई एक्स, x इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। अब ध्यान से देखना, x का पावर 4 क्या होता है, माइनस 1 होता है। अब ध्यान से बताओ, माइनस 1 का पावर 20 करोगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x ही रहेगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स ही बच जाएगा, जिसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है, रूट टू दे रखा है। अरे रूट टू ही तो है, यहाँ पे डिवाइड कर दो x से, x से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो कितना होता है, रूट टू होता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, रूट टू। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है टॉपिक में तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, फिर भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूँ,
आप चाहो तो हमारे फेसबुक या टेलीग्राम फेसबुक पेज पे अपना प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई है, ठीक है दोस्तों। अगर आई है समझ में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो ताकि अपने और दोस्त भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई आपका सुजेशन है, कोई डाउट है, मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट कर दिया करो, मैं उसका सोल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके बाय, टेक केयर।